इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मॉनसून सत्र का आगाज तो हुआ लेकिन पहले दिन ही उसे स्थगित करना पड़ा, ऐसा क्यों? बिल्कुल निश्चित, देखिए विपक्ष ने पहले से ही रणनीति बना रखी है कि किसी भी तरीके से संसद को चलने नहीं देना है। संसद सत्र के ठीक शुरू होने से एक दिन पहले कल शाम को एक वीडियो वायरल किया गया जो कि मणिपुर हिंसा से जुड़ा हुआ है। हालांकि वीडियो जो है वो 2.5 महीने पुराना बताया जा रहा है, उसको वायरल किया गया। उस पर से पूरे दिन जो है उसको ट्विटर पर ट्रेंड करा करके अलग अलग माध्यमों पर उसको शेयर किया गया। शेयर करने के बाद से जो विपक्ष ने एक नए तरीके से इस विषय को रखा कि अगर सरकार मणिपुर हिंसा के ऊपर जवाब नहीं देती है तो हम संसद को नहीं चलने देंगे। ठीक संसद सत्र शुरू होने के पहले यानी कि 11 बजे से ठीक 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आए। उन्होंने जो है अपनी वेदना संवेदना जो भी थी इस विषय पर उन्होंने व्यक्त किया और उन्होंने जो है मुख्यमंत्रियों से इस मुद्दे के ऊपर कार्रवाई करने की भी बात कही। उसके बावजूद भी जो है विपक्ष संसद में हंगामा किया और दोनों सदनों की कार्यवाही जो है 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। एक बार फिर से संसद की कार्यवाही इस वक्त जो है शुरू हो गई है, लोकसभा की और राज्यसभा की, और वहाँ भी विपक्ष जो है हाथों में बैनर और कुछ पट्टियाँ लिए हुए वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और लगातार जो है संसद को बाधित करने का प्रयास जो है वो चल रहा है इस वक्त। कितने और समय तक स्थगित रहेगा ये सत्र? देखिए इसको अभी कुछ भी नहीं कह सकता है कि कब तक जो है स्थगित रह सकता है, क्योंकि फिलहाल संसद की कार्यवाही जो है दोबारा से शुरू हुई है। अब देखना ये हो कि दोबारा से जब स्पीकर उस सदन में जो है कार्यवाही को शुरू करते हैं सुचारू रूप से अगर फिर भी नहीं चल पाता है तो उनको दोबारा से हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक फिर से जो है वो सदन की कार्यवाही इस पूरे मसले के ऊपर जो है वो स्थगित कर दी जाएगी। और इस बार भी लगता है कि संसद का ये पूरा सत्र जो है हंगामे का भेंट चढ़ने वाला है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से कह रहे हैं हंगामेदार रहने वाला है इस बार मॉनसून सत्र, तो इसको लेकर फिलहाल क्या कुछ अपडेट है कि किन मुद्दों को लेकर अब जो पहला मॉनसून सत्र का जो सदन में बात हुई है वो किन मुद्दों को लेकर हुई? देखिए सरकार जो है इस पूरे सत्र के दौरान कुल 29 ऐसे विधेयक हैं जिसको पारित करवाना चाहती है। शुरू में चर्चा हो रही थी कि सरकार जो है इसी संसद सत्र के दौरान जो है UCC का विधेयक भी लाएगी, लेकिन फिलहाल इसको जो है इस लिस्ट में जो 29 जो विधेयक शामिल किया गया उसमें जो है UCC का कहीं पर जिक्र नहीं, लेकिन कुछ अन्य ऐसे विधेयक जिसमें दिल्ली सरकार के नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो मामला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई चल रही है इसके लिए सरकार उसके ऊपर अध्यादेश भी लेकर के आई है। इसका नियम यह भी है कि संसद सत्र जब शुरू होता है तो उस दौरान जो है उसको संसद में पारित कराना होता है, इसलिए सरकार की प्रायोरिटी है किसी भी तरीके से जो है उस विधेयक को पारित करवाए, अन्यथा 6 महीने बाद जो है उस विधेयक की अवधि जो है समाप्त हो जाएगी तो स्वतः जो है वो लैप्स कर जाएगा। तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि सदन को चलाए और जो भी महत्वपूर्ण विधेयक है वो सदन के अंदर में पारित करवाए, लेकिन जिस प्रकार से विपक्ष जो है हंगामेदार तरीके से संसद का विरोध कर रहा है, सत्र का विरोध कर रहा है, वैसे में कोई भी बिल पास होना फिलहाल जो है वो मुश्किल लग रहा है सरकार के लिए। स्थगित करने की तो बात कही गई है लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान तमाम बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अब जो भी बिल लागू किए जाएंगे वो जनता के हित में होंगे, तो कौन कौन से बिल की चर्चा की गई है? देखिए उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बिल जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला है, इसके अलावा जो है पेंशन रेगुलेटरी से जुड़ा हुआ कुछ बिल है उसको भी सरकार शामिल करेगी, इसके अलावा एक बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ बिल है उसको भी सरकार ने शामिल किया है, इसके अलावा बैंक करप्सी के ऊपर भी एक नया बिल जो है वो लाया गया है, IT एक्ट में संशोधन को लेकर भी सरकार एक नया विधेयक जो है ला रही है। इस प्रकार से कुल 29 ऐसे विधेयक हैं जिसको सरकार पारित करा करके और जनता में उसे देना चाहती है कि उन्होंने जनहित से जुड़े हुए तमाम सारे ऐसे मुद्दों के ऊपर काम किया और इसी को सरकार आगे जो है लेकर के लोकसभा चुनाव में भी जाएगी और इन्हीं सारे तमाम विधेयकों के जरिए जो है सरकार अपने जो है एजेंडे को आगे लागू करना चाहती है। लेकिन विपक्ष चाहता है कि किसी भी तरीके से संसद सत्र को अवरुद्ध कर दिया जाए ताकि सरकार ऐसे किसी प्रकार के जो है बिल को संसद के अंदर पारित नहीं करवा सके ताकि जनता से जुड़े जो भी विषय है उसका ठीक तरीके से जब तक जनता के बीच में नहीं जा पाएगा सरकार अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में नहीं गिना पाएगी। यही कारण है विपक्ष अपना जो है तेवर रुख अपनाए हुए सरकार अपनी रणनीतियों के तहत चाहती है संसद चला करके और उन सभी विधेयकों को जो है पारित करवाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम।